वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम दोबारा से एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि मलेरिया रोग क्या होता है, यह रोग किसके द्वारा होता है एंड ये किस तरीके से हमें बीमार कर देता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चर्चा शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मलेरिया रोग होता क्या है। तो मलेरिया एक प्रकार का संक्रामक यानी इन्फेक्टियस रोग है, यानी यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। अब कैसे होता है? छूने से? नहीं, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने या फिर उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करने से नहीं होता, बल्कि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक मच्छर के द्वारा होता है, जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस मच्छर के द्वारा मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है। तो इस बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो बताया था कि यह रोग फीमेल एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मच्छर के द्वारा तो यह रोग सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। वास्तव में यह रोग एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये प्रोटोजोआ एंड प्लाज्मोडियम होता क्या है? तो प्रोटोजोआ एक प्रकार का सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया ये सब होते हैं। इसी प्रकार प्रोटोजोआ भी वायरस और बैक्टीरिया की तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलिए प्रोटोजोआ तो समझ में आया, लेकिन ये प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का एक प्रकार होता है, जैसे कोरोना वायरस वायरस का एक प्रकार है, लैक्टोबैसिलस जिससे दूध से दही बनती है बैक्टीरिया का एक प्रकार है। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ का एक प्रकार है, जिससे मलेरिया रोग होता है। तथा यह प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलीज मच्छर के लार में उपस्थित होता है। आई होप अभी तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मलेरिया रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे होता है। तो उदाहरण के तौर पर एक सामान्य व्यक्ति को लेते हैं, यानी वह व्यक्ति जिसको मलेरिया नहीं हो। तो उस व्यक्ति को जब फीमेल एनाफिलीज मच्छर काटता है, तो काटते समय मच्छर की लार में उपस्थित प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के ब्लड यानी रक्त में चला जाता है, जहाँ से यह उस व्यक्ति के लीवर में जाकर अपनी संख्याओं को बढ़ाता जाता है। संख्या बढ़ाने के बाद ये लीवर में छेद करके वहाँ से निकलने के बाद फिर से ब्लड में घुल जाते हैं। अब क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो ये प्लाज्मोडियम इस हीमोग्लोबिन का उपयोग करके अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं, जिसके बाद ये उस व्यक्ति की रेड ब्लड सेल्स यानी ऐसी सेल्स जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में हर जगह उपस्थित होती हैं, उनमें आ जाते हैं। अब इसके बाद जब कोई सामान्य फीमेल एनाफिलीज मच्छर यानी ऐसा मच्छर जिसके लार में प्लाज्मोडियम नहीं है, इस व्यक्ति को काटता है, तो उस व्यक्ति की रेड ब्लड सेल के द्वारा बहुत सारे प्लाज्मोडियम इस मच्छर के पेट में चले जाते हैं, जहाँ पर ये आपस में निषेचन करके बड़े प्लाज्मोडियम्स का निर्माण करते हैं। अब ये बड़े प्लाज्मोडियम्स उस मच्छर की लार में चले जाते हैं, जिसके बाद जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, तो वापस से यही प्रक्रिया शुरू होने लगती है। तो गाइस, यही प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मलेरिया रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को करते हैं एंड। तो आज आप लोगों ने जाना कि मलेरिया रोग क्या होता है, यह रोग किसके द्वारा होता है एंड ये किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल बायोफील्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस जल्द ही एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।